आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 25 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए अपने क्या दे रखा है कि फोर द टू पॉजिटिव नंबर ए और बी अपने दो पॉजिटिव नंबर है। इफ ए कॉमा बी एंड 1/18 आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये जीपी में दे रखा है। आगे अपने क्या दे रखा है कि वाई 1/10, 1/B आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी ये एपी में दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू आपने के पास क्या करा है निकालने के लिए। चलिए यहाँ से आपने कहा ए बी का आपने कहा वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, इस बात का ख्याल रखिएगा। यहाँ से आपने कहा ए कॉमा बी कॉमा 1/18 ये आपने कहा किस में है, ये आपने कहा जी पी में है। जब ये जी पी में है तो आपने कैसे बताओ बीच वाले का आपने कहा स्क्वायर अगल बगल वाले के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू किस आ जाएंगे तो ए 18 के बराबर। हाँ या ना, यानी यहाँ से आपने कहा ए इक्वल टू किस आ जाएंगे तो 18 बी स्क्वायर के बराबर, किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अभी इसका काम आ जाएगा बाद में, ठीक है। ये अपने कहा एज इट इज यहाँ पर छोड़ दो। आगे अपने कहा बताओ आगे अपने कहा क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से आगे अपने कहा 1/10, 1/B ये अपने कहा किस में है, तो ये अपने के पास है एपी में। हाँ या ना, जब अपने कहा ये एपी में है तो एपी का अपने के पास टर्म इन कंडीशन क्या होता है, बीच वाले के डबल अगल बगल वाले के प्रोडक्ट के बराबर है, सम के बराबर होता है। तो 2 × 10 इक्वल टू आगे अपने कहा 1/A और प्लस टाइम्स 1/B के बराबर है। यहाँ से आगे अपने किस बराबर है बी इक्वल टू आगे अपने के पास ए प्लस बी और अपॉन में किस आ जाएंगे ए बी के बराबर। यहाँ से अपने कहा क्या कर लो थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू किस आ जाएंगे बीस ए बी के बराबर। हमें अपने के पास ए और बी का वैल्यू चाहिए, हमारे पास दो इक्वेशन है दो अननोन है। चलो इसका अपने के पास वैल्यू ए का वैल्यू इसमें चिपकाते हैं, इसका वैल्यू जैसे ए का वैल्यू इसमें चिपकाते हैं तो यहाँ से आगे अपने के बराबर 18 बी स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स बी के बराबर और इक्वल टू आगे अपने के पास 20 × 18 और यहाँ से आगे अपने के पास ए की जगह अपने के पास क्या चिपका दो, तो यहाँ से आगे अपने के पास ए बी या आगे अपने के पास 2AB, तो यहाँ से आगे अपने के पास ए की जगह बी स्क्वायर हो जाएंगे। हाँ या ना, और यहाँ से आगे अपने के पास इंटू बी के बराबर। हाँ या ना, किसी को कोई दिक्कत कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं किया अपने के पास ए का वैल्यू अपने के पास बी स्क्वायर चिपका दिए। अब अपने के पास बताओ कैसे सॉल्व किया जाए, तो यहाँ से आगे अपने के पास 18 बी स्क्वायर कुछ तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ से आगे अपने के पास बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 18 इसमें से बी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। बी जैसे हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से आगे अपने के पास 18 बी और प्लस टाइम्स 1 के बराबर इक्वल टू आगे अपने के पास 18 × 36 360 और ये किस बात नहीं बी स्क्वायर के बराबर इंटू बी के बराबर। अब जैसे हम बी कैंसिल आउट करेंगे तो बी अपने के पास 0 हो नहीं सकता है। क्यों 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि बी अपने के पास देखो डिनोमिनेटर में भी बैठा हुआ है, तो 0 तो अपने के पास ऐसे भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अपने के पास लिख देना बी अपने के पास 0 नहीं हो सकता है, तो यहाँ से आगे अपने के पास 360 बी स्क्वायर और माइनस टाइम्स 18 बी और ये किस आ जाएंगे तो -1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये अपने के पास बी में क्वाड्रेटिक आ गया। जब बी में क्वाड्रेटिक आ गया सीरीज धारा चार्ज फॉर्मूला के अलावा कोई ऑप्शन हमें तो लग नहीं रहा है, तो चलो सीरीज धारा चार्ज फॉर्मूला लगाते हैं। तो बी इक्वल टू आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स बी माइनस टाइम्स 18 माइनस माइनस प्लस, तो डायरेक्ट अपने किस आ जाएंगे 18 के बराबर और यहाँ से आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC यानी 18 का स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4 और इंटू ए की जगह अपने के बराबर है तो 360 और इंटू अपने के बराबर हो जाएंगे तो -1 के बराबर। हाँ या ना, ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। अब अपने के पास क्या करो सीरीज धारा चार्ज फॉर्मूला में अपने के पास कैलकुलेशन तो थोड़ा सा रहता ही है, तो चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ से आ गया अपने के पास इसके बराबर 18 का स्क्वायर, बताओ 18 का स्क्वायर तो 18 × 18 ये आ गया अपने के पास मल्टीप्लाई किधर गया भाई 18 × 18 और ये इसके बराबर हो जाएंगे तो 324 और अपॉन में 2A कौन लिखेगा तो 2 × 360 के बराबर। हाँ या ना, अब अपने के पास क्या करें, तो यहाँ से आ गया बी इक्वल टू बताओ, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 18 ± √18 का स्क्वायर आ गया अपने के पास 324 और माइनस टाइम 36 × 72 यहाँ से अपने के पास 360 को मल्टीप्लाई कर लो तो अबे इरेज हो जा, तो यहाँ से अपने के पास 360 × अपने के पास कितना हो जाएंगे तो 4 के बराबर। हाँ या ना, ये आ गया अपने के पास 1440 के बराबर, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और होल अपॉन में अपने के पास आ जाएंगे 2 × 360 के बराबर। यहाँ से अपने के पास 44 और प्लस टाइम्स अपने के पास बराबर जाएंगे 324 के बराबर 324, तो यहाँ से आ गया अपने के पास बी इक्वल टू आ गया अपने के पास 18 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अपने के पास 1764 के बराबर। 1764 का स्क्वायर रूट होता है क्या, 2 × 360 देख लेते हैं अपने के पास, इतना तो याद करने का कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास क्या आ गया 1764 स्क्वायर रूट ऑफ 1764 64 ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ये 42 के बराबर। तो बी इक्वल टू किस आ जाएंगे 18 और प्लस माइनस 42 और अपॉन में किस आ जाएंगे
तो ये आ गया अपने पास 2 × 360 के बराबर। बी का अपने पास दो वैल्यू आएगा, एक अपने पास निगेटिव आएगा एक पॉजिटिव। जैसे माइनस लेंगे निगेटिव वाला, क्वेश्चन में अपने पास क्या दे रखा है कि बी अपने पास ए और बी पॉजिटिव है, यानी बी निगेटिव वाला तो रिजेक्ट हो गया। तो बताओ अब ए भाग जाओ, तो यहाँ से अपने पास बी इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 18 और प्लस टाइम्स 42 और होल अपने अपने पास आ जाएंगे 2 × 360 के बराबर। यहाँ से 360 है तो यहाँ से आ गया अपने पास 42 और प्लस टाइम्स अपने पास किस बराबर जाएंगे तो 18, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास 60, तो ये आ गया अपने के पास 60 और अपॉन में 2 × 360 के बराबर। तो ये आ गया अपने के पास 6 × 6 कैंसिल होते जाएंगे, यानी 1/12 के बराबर, यानी बी इक्वल टू किस आ जाएंगे 1/12 के बराबर। बी जैसे 1/12 के बराबर हो जाएंगे, ए बताओ यहाँ से अपने के पास ए किस आ जाएंगे, तो इक्वल टू आ गया अपने के पास 18 और मल्टीप्लाई 1/12 और मल्टीप्लाई 1/12 के बराबर है, ठीक है। थोड़ा सा अपने के पास लैग कर रहे हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास बताओ किस आ जाएंगे 12, तो यह आ गया अपने के पास 2 × 12 और यह आ गया 3 × 18। तो यहाँ से अपने के पास, अबे तुम कैलकुलेटर हट जाओ, देख लेते हैं बाद में, अबे भाग जाओ। यह आ गया अपने के पास 3 × 12 के बराबर। यहाँ से ए का वैल्यू किस तरह हो जाएंगे तो 1/8 के बराबर है, देख लीजिए अपने के पास। थोड़े से क्या लैग कर रहे हैं, थोड़ा क्या बहुत लैग कर रहा है, ठीक है। तो यह आ गया अपने के पास 1/8 के बराबर, हाँ या ना। तो ए इक्वल टू आ गया अपने के पास 1/8 और बी इक्वल टू आ गया 1/12 के बराबर। भाग कहाँ गया भाई, तो ए इक्वल टू अपने के पास बताओ, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 18 × 1/12 और मल्टीप्लाई 1/12 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आ गया अपने के पास 2 × 12 और यहाँ से आ गया अपने के पास 3 × 18 और ये आ गया अपने के पास 3 × 12, यानी आ गया अपने के पास ए इक्वल टू किस आ जाएंगे 1/8 के बराबर। किसी को इतराज नहीं होनी चाहिए, ए इक्वल टू जैसे अपने के पास 1/8 आया, यहाँ से 16 ए और प्लस टाइम्स 12 बी का वैल्यू पूछ रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिख दीजिए, यानी तो अपने के पास चलिए हम यहाँ से लिख देते फुल एंड फाइनल आंसर। बताओ फुल एंड फाइनल आंसर, फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे तो 16 ए और प्लस टाइम्स 12 बी के बराबर। यहाँ से आ गया अपने 16 और मल्टीप्लाई बाय ए मतलब 1/8 के बराबर और बी मतलब अपने 1/12 के बराबर। यहाँ से कैंसिल आउट करना स्टार्ट कर दो, तो ये आ गया अपने 12 × 12 8 × 2 16, यानी किस तरह आ जाएंगे 2 + 1 के बराबर, डैट मीन्स 3 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे 3 के बराबर। यही इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे, तो आपने 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आपने क्या कौन से ईयर में पूछा गया, यहाँ से फिर से भाग गया, ठीक है। खैर हम यहाँ पर लिख देंगे, तो ये थे आपने क्या जे मेन्स के 25 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से समझ में आए तो बनाकर आना है, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट सैटरडे में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।